सो गाइस, 1 to 5 February जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा था एंड बीच में पड़ गया संडे. सो वी टुक दैट अपॉर्चुनिटी एंड वी डिसाइडेड टू गो टू यू नो विजिट जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ऑन संडे. संडे मॉर्निंग अर्ली हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे एंड वहाँ से हमने ली कैब टिल द होटल. नेक्स्ट डे इन द अर्ली मॉर्निंग हम निकल जाते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए ऑटो करके. एंड एंटर करते ही जो फील होता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, जो अभी तक केवल मैंने बाहर से देखा ही था, यू नो न्यूज़ में देखा था, वो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी एंड माय कलीग वाज एज एक्साइटेड एज आई वाज. एंड इतना क्राउड था गाइस, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट जो क्राउड वहाँ पर आया था इंक्लूडिंग अस, वी वर रियली एक्साइटेड टू यू नो स्पेंड अ डे होल डे हियर. The first book launch that was taking place was of the Hollywood to Himalaya, and that was a story, an autobiography of a lady from Los Angeles who came to India and stayed here and became a saint, you can see. And the best part about it, the festival was really inclusive. Aap dekh sakte ho ek sign language teacher bhi the jo explain kar rahe the what they are saying. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं कुछ यू नो ऐसे फेस्टिवल को बहुत इंक्लूसिव बनाने के लिए कि सभी तरह के लोग इनको अटेंड कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें. ये कुछ जयपुर की ऑथेंटिक चीज़ें जैसे पपेट. एंड उसके बाद हम जाते हैं दरबार हॉल जहाँ पे लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग्स के बारे में बता रहे थे एंड डिस्कस कर रहे थे. ये दरबार हॉल के बाहर का थोड़ा सा नज़ारा है एंड बहुत ही प्यारा सा पेंटिंग आर्ट वर्क लगाया हुआ था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल वालों ने. उसके बाद हम जाते हैं कॉफ़ी पीने बिकॉज माई कलीग इज़ क्रेजी फॉर कॉफ़ी. एंड कॉफ़ी लेके हम निकल जाते हैं मुगल टेंट की तरफ जहाँ पे ब्लैक रिवर क्राइम फिक्शन नोवेल का एक यू नो इनॉग्रल हो रहा था. तो उसके बाद वी वेंट स्ट्रेट टू द बुक शॉप बिकॉज हमारे अंदर का कीड़ा बैठ ही नहीं रहा था. वी वॉन्टेड टू बाय यू नो बुक्स, वी वॉन्टेड टू हैव दोज यू नो बैग्स ऑफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो मिलते हैं बुक खरीदने के बाद. सो एंड वी वेंट रियली क्रेजी बिकॉज हम हर एक स्टॉल पे गए. वी स्पेंड क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम नीचे ऊपर बैठ बैठ के वी स्पेंड. एंड फिर जो कार्ड स्वाइप करवाया है गाइज हम लोगों ने. एंड आउटसाइड देयर वर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज. इला अरुण मैम यू कैन सी, मेरी कलीग ने उनके साथ फोटो भी खिंचाया. उसके बाद हम जाते हैं इवेंट ऑफ द डे गाइज, शशि थरूर, इंद्रजीत रॉय एंड निधि राजधान, ऑल 3-in-1 स्टेज. दैट वॉज रियली अमेजिंग गाइज. मतलब इस तरह की टॉक्स आप एक्चुअली यू नो चाहते हो सुनना, इस इंटेलेक्चुअल डिबेट्स को आप हमेशा सुनना चाहते हो. निधि राजधान वॉज पुलिंग द लेग्स ऑफ शशि थरूर एंड इंद्रजीत रॉय वॉज डूइंग द सेम. शशि थरूर वॉज गिविंग ओपिनियंस अबाउट सिटीजन्स क्या कर रहे हैं इस कंट्री के एंड दैट वाज अमेजिंग है ना. उसके बाद इंद्रजीत रॉय प्रोफेसर ने हमारा बुक पे साइन किया काफ़ी हम्बली, यानी पूरा टाइम हमने वेट किया था एंड देन ही केम टू साइन द बुक एंड दैट वाज रियली अमेजिंग. वी हैड अ गुड कन्वर्सेशन विद हिम, वेरी फ्रूटफुल. एंड उसके बाद हम लोग बहुत सारे जो वहाँ पर लोग मिले थे हमें उनसे भी हमने बातें की. बहुत ही कुछ जानने को एंड सीखने को मिलता है. आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप अकेडमिया में हैं, अकेडमिक्स में हैं, तो ऐसे फेस्टिवल एंड इवेंट्स को ज़रूर अटेंड करें क्योंकि एक तो आपका माइंडसेट बहुत ओपन हो जाता है और जो डाइवर्सिटी हम लोग सेलिब्रेट करना चाहिए हमें एज इंडिया इंडियन सिटीज़न, वो हम सेलिब्रेट कर पाते हैं. इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉक था और इस वाली टॉक के बीच में काफ़ी यू नो गैप था, तो हमने सोचा कि आसपास के किसी भी अच्छे से चीज़ को देखने चलते हैं. एंड दैट स्पॉट वाज पत्रिका गेट, बहुत ही पास है ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो होटल क्लॉक आज़मेर है उसके पास, क्लॉक आमेर के पास. उसके बाद वापस आ जाते हैं हम यू नो अपना फेवरेट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इवेंट के लिए एंड दैट वाज ऑफ मिस्टर एंड मिसेस मूर्ति बुक लॉन्च. दैट बेसिकली इट इज़ देयर लव स्टोरी जिसको चित्रा बनर्जी लिख रहे हैं एंड वो तो मतलब जिस इस टॉक का गाइस जो स्टार्टिंग हुआ है और जो मतलब सुधा मैम ने जो बातें की, मतलब कुछ स्टेटमेंट ऐसे बोले, मतलब उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी नॉलेज, उनका इंटेलिजेंस इस एज में, मतलब
इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है गाइस, मतलब एवरीबडी वॉज मेस्मराइज्ड विद हर प्रेजेंस, हर सिंप्लिसिटी, हर स्माइल, हर चार्म, एवरीथिंग. यू कैन सी सो मच ऑफ क्राउड, लोग बारिश में खड़े थे गाइस, मतलब हम चढ़ के मैम को देख रहे थे, सुन रहे थे, एंड एवरीबडी वॉज द सेम, everyone was in awe of her, you know, a personality. That is what, you know, great people are made of. And uske baad last event hamara jo tha wo tha Bullseye, that was of Rajabhadra Singh Rathore, and it we really, you know, listened a lot about upcoming policies of the government on sports. And then we went for the dinner and into a hotel of City Lights, and then हमने अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन पकड़ी क्योंकि अगले दिन हमें वॉक पे आना था. ओके, एंड फिर हम अपनी प्यारे से शहर में आ जाते हैं जहाँ यू नो वी वर्क, एंड बहुत बहुत ही अच्छा था गाइस इवेंट एंड फेस्टिवल, बहुत ही अलग एक्सपोजर था. बहुत ही बेको मेरी कॉलेज की याद आई बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइप की डाइवर्सिटी, उस टाइप का सेलिब्रेशन ऑफ you know intellectual debate, intellectual strata used to take place in my college. And agar aapka kabhi saturation point aaye, aap academics mein hai, aap teaching line mein hai, then you must attend such events and talk. They give you a freshness, you come back with lots of energy. And usi hope ke sath I'll take your permission. Stay tuned with a lot of upcoming blogs. Please subscribe to my channel. Like, share and subscribe. And that's my colleague signing out. Bye-bye.